पहली भवरिया हो अबही बेटी बाप। घर बैठे आला बजा आला शेर मेरे खाप से जंगल का रहना छोड़ दे, शेर मेरे खाप से जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे तब मैं पानी नदी का धुना मेरे यार। आज कहां चलना है कहो, कहां चलना है मेरे यार? शेरा और शमशेरा को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, शेरा और शमशेरा के लिबास में चलना है चंदू माझी की लौंडिया को उठाने के लिए। क्या कहा चंदू माझी की लौंडिया तो बदनाम करके लिबास बनाया है, और शेरा शमशेरा तो चम्मल घाटी में होगा, और जब फेस छुपा करके चलूंगा तो ससुरा कोई ये नहीं पहचान पाएगा ठाकुर मदन सिंह या भोला सिंह है। शेरा और शमशेरा के लिबास में हम और तुम कमल नगर को चल रहे हैं। सही बात कह रहे हो यार, किस प्रकार चलते हो? और रहिया मला गैठा गचोर हो, और रहिया मला गैठा जी चोर हो, क्या गरिया बचोर दोस्तों। मैं क्या करूं, अपने घर पे क्या है, कुछ आज काम नहीं है, शांत रूप से बैठा हूं और विश्राम करता हूं आराम। ओ तुम्हारा नाम? हमारा नाम जौहर खां है। यानी जौहर खां हो आप? हाँ। बोलो सर। जौहर खान बोलो सर। आपने मदन सिंह जमींदार के वहां डाका डाला? क्या बात करते हो सर। क्यों? हम तुम्हें चोर और डकैत दिखाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब हुआ तुम्हें चोर डकैत दिखाते हैं? हाँ। धूल मत झोंको रे, हर यही मुल्जिम कहता है कि मैंने कहा डाका डाला है, मैंने कहा चोरी किया, हर मुल्जिम यही कहता है। अच्छे बोलो, तुमने चोरी नहीं किया क्या? नहीं किया। तो तूने डाका डाला, अरे बेशरम, पुतिल की किसी का है धारा नहीं, बन गया तूरे बाकी, अरे इस कदर दिल के अंदर। नहीं
मुलजिम। अरे पहले इसके हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ। और जौहर खान, तुम्हें केवल एक घंटे की मोहलत देता हूं, जब तक आप थाने तक चल रहे हैं, इतनी देर में जो कुछ सोचना हो सोच लेना, वही बात हमको बताना, ठीक है? आओ सर, मैंने तो डकैती चोरी नहीं किया है, ये तो बता रहा हूँ, एक घंटे में तुमको केवल एक घंटे की मोहलत देता हूँ, बहुत जल्दी के साथ थाने लेकर जा रहे। गिरार आओ, हथकड़ी इसकी खोलो। सुनो जौहर खान, मैं जो कुछ तुमसे पूछ रहा हूं केवल तुम्हें एक घंटे की मोहलत दिया, सुनो मेरी बात को, तो एक घंटे की तुझको मोहलत दिया, एक घंटे की तुझको हम मोहलत दिया, क्या है तूने रे सोचा? मैंने ऐसी कोई चोरी डकैती नहीं किया है जो इकबाल करूं, और चोरी साहब तो हमने किया है नहीं। उतना ही अखाड़ा चला।
ला पट्टा लेकर के साला जुल्म नहीं है जौहर खान साले जमींदारों को इस तरीके से नहीं मारेंगे सारे लूटते हो हर साला मिंचिंग यही कहता है कि मैंने जुल्म नहीं मैंने सर ये कुछ नहीं ला पट्टा लेकर क्या रे माता चौदह साले थाने में क्या करते मैया सुधाते साहब आपको गलतफहमी है साहब और कैसे जुल्म करूं इकबाल साहब और कैसे जुल्म करूं इकबाल किया ना चोरी हो साहब मैं कैसे उस जुल्म को इकबाल कर लो जिसको मैंने किया नहीं किया नहीं फिर वही अर जमींदारों को तूने जमींदारों को तूने अर सताया बेशरम नहीं किया है मैं इकबाल करूंगा और चला लो जुल्म और अंतर भाई चला लो जुल्म और अंतर ये साहेब यार नहीं नहीं
चौकीदार ढाई सौ अरे चौकीदार तूने डाका डाला या नहीं डाका नहीं डाला है साहब डाला या नहीं नहीं डाला नहीं डाला नहीं डाला जा रे इसे छह साल के लिए साले को अंतर कर साहब ऐसी छह साल के लिए डालो से बहुत जल्दी के साथ उनका शरब नहीं चोरी कर दे साले हट्टा कट्टा उल्लू पट्टा बने घूम रहे बहुत नहीं भैया अंधेरे चले गए हो तुम पटिया ढोल ऐसे नहीं भैया हमने चोरी नहीं किया सामने जो है झोपड़ी चंदू माझी की दिखाई पड़ रही है चलवा चल करके इसके झोपड़ी में घुसूंगा और साले को काम तमाम करके इसकी लौंडिया को उठा करके कंधे पे बढ़ाओ कदम मेरे यार ये बात है मेरे दोस्त तो बढ़ाओ पैगाम चलते हैं सोनिया की सोनिया से आ मैं तो चिंता खाए जाते का करी बापू देखो इतना समय हो गया रात के 12 बजने वाले हैं तब भी आप इतनी रात रो बिटिया हमका तो चिंता खाए डर देखो एक पैसा के नहीं जहके दिल जाई थी हमका उधारो नहीं देते बापू और या का गाज हमरे ऊपर पड़ी है हम समय बापू सुबह उठकर सोच लेना क्योंकि रात के 12 बजने वाले हैं 12 तो बजे हैं हम बात तो जब सोची थी है ना बापू कुछ नहीं सोचो बापू देखो बिटिया तुम्हार हाथों पीले कर गई है और कोई हमका उधार रुपया नहीं देते हम का करी समय जब देखी थी बिटिया का बने है तो हमार जान बिल्कुल निकल जाते बापू तुम ये सी बात सोचते रहते हो ना दिन रात सोचते हो लगता है आप भी अपना दिमाग पागल कर लेंगे मुझे बापू तुम्हें मालूम होना चाहिए बापू का करी बापू हमारी चिंता में हम दुखा बापू हमारी बातें तो सुन बापू किसी प्रकार से चिंता करोगे तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी बापू और जीना ही तो हंस के जियो जीना है तो हंसी के जियो जिंदगी में एक पल रोना रोना ही तो है जिंदगी रो रो के जीवन जोना जीना है तो हंसी के जियो सोनिया और चंदू मांझी साला कहरी सांसों में सो रहा है क्योंकि सोते वक्त इसे मरना भी ठीक नहीं है इसलिए इसे जगाओ साले को एक काम करते हैं क्या क्यों ना हम चुपचाप से सोनिया उठा लें
उसके बाद में चंदू मांझी को जगाया जाए। जगाओ 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 सोनिया सोनिया। राज मर्जी कहा दे यही रब मुझे वरना मुल्क आता चंद मझी हम तेरी तेरी लौंडिया सोनिया को लेने की और इसे राजीव से हमारे हवाले कर दो। शाहर खान को भाई अपनाया है उठा और इस बुड्ढे की लाश कंधे नाले में फेंकता कंधे नाले में ताप तो चा करके रे हम लोग कौन है कायदे से दिखाए हम तेरे हविष का शिकार करना चाहते हैं सोनिया लेकिन मेरे बाबा क्योंकि तेरा बाप सारा लाठी मार के मारना चाहता था और उसे प्यार से मांगा तो तेने से इनकार किया। सोनिया तुझे नहीं मालूम है तेरा भाई चौहर खान आज हमारे ऊपर हाथ उठाया है। मेरी जान क्या शैली के बदन पे सलवार सूट शोभा दे रहा है यार क्या रेशम जैसा सलवार और ये कुर्ता जाना हाँ और रेशमी सलवार कुर्ता जानी का और रेशा नहीं जाए
बोलता था
सब बताओ मुझे, सब बताओ मुझे, सर चोरों से कितने बोलो जानना चाहते हो तो माजी के सुना मेरा नाम यही सब तोरी रहो का मतलब तुम चंदू माझी की बेटी हो, सोनिया तुम्हारा नाम है। जी हाँ, लेकिन कुछ बदमाशों ने आकर मेरे बाप का खून कर दिया, मुझे उठाकर। क्या तुम्हारे पिता का खून कर दिया? लेकिन आप इस मौके पर अगर नहीं आए होते तो क्या बताऊं मैं तो डाकू शमशेरा की तलाश में निकला था। किसी डाकू को पहचाना था? नहीं, लेकिन मैं पहचान तो सकती थी, लेकिन अपने चेहरे पे नकाब चढ़ाए हुए। ओ, इसका मतलब चेहरे पे नकाब लगा हुआ था। जी हाँ, इसी के लिए नहीं पहचान पाई, और डाकू ने तो मुझे उठाकर ही हलाए थे। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी जान बच गई, अब जाओ घर को, मैं भी चलता हूँ। मैं डाकू शमशेरा की तलाश में जा रहा हूँ। ठहरो, आपसे कुछ कहना चाहते हो? मुझसे क्या कहना चाहती हो? बोल। क्योंकि मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा, और आज अगर ये इंसान सहारा नहीं बना है तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तुम्हारे परिवार में और कोई नहीं है? जी हाँ, इसी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। तो करके ऐसा, और आप जाते कहाँ करके बचाना।